गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये देखिए, मॉर्निंग का समय हो रहा है, मॉर्निंग के बज रहे हैं 5, तो अभी 5 बजने में है, अभी 10-15 मिनट। तो यहाँ पर मैं आ चुकी थी ऊपर छत पर, तब तक मैं कर लूँगी एक्सरसाइज। और देखिए, यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है अंधेरा, क्योंकि 5 बजने में अभी थोड़ा सा टाइम है। जब तक 5 बजेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाएगी। और ये देखिए, यहाँ पर मैं कर रही थी अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह, और घूमने छत पर भी हो जाएगा। सर चिपको हो रहा है क्योंकि सर में लगा था रात तेल, तो मुझे कल रात काफ़ी टाइम तक तेल मालिश की थी, तो फिर उस बार वो चिपके से पड़े हैं, तो सर भी धोना है। और फटाफट से भी जाऊँगी नीचे, और बच्चे आ जाएंगे स्कूल, तो उनको भी उठाना है फटाफट से, और साथ में उनके लिए नाश्ता भी रेडी करना है। नाश्ते में आऊँगी मैं आलू के पराठे, और साथ में जाएगी दही। चलिए फिर फटाफट से चलते हैं नीचे और करते हैं अपना नाश्ते की तैयारी। पहले तो मैं नहाऊंगी, उसके बाद करूँगी नाश्ते की तैयारी। वो चिड़िया फिर से आ गई, अंडा देखकर जी लग रहा है। और चलिए चलते हैं फिर नीचे। कड़ा की ब्रश वगैरह करके मैं नहा धोकर तैयार हो चुकी हूँ। और यहाँ पर मेरे ऊपर चुके हैं आलू, तो अभी थोड़े से गर्म है तो ये ठंडे हो जाएंगे, तो मैं इन्हें छील कर इनके बना आलू के पराठे। चार बच्चे टिफिन में लेकर जाएंगे आलू के पराठे, सब बच्चे सो रहे हैं, तो मैं उनसे सबको उठा देती हूँ। और आर्यन गया हुआ है बाहर शाखा में, एक एक्सरसाइज वगैरह होती है वहाँ पर भी, उनसे मैंने आलू वगैरह उबाल कर रख दिए थे, पर बच्चों ने मना कर दिया कि हम आलू के पराठे नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि उनका मन फिर से पूड़ी लेकर जाने का था। तो मैंने उनको नमक अजवाइन और मसाला डालकर पूड़ी बना दी है, तो वो बच्चे पूड़ी वगैरह ले जाएंगे और मैं आलू की सब्ज़ी बना लूँगी। आलू के पराठे वगैरह फिर मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि इसके पापा भी नहीं खाते हैं खुश होकर, और ये मम्मी भी नहीं खाएँगी, तो कोई खाएगा नहीं, तो फिर मैं किसके लिए बनाऊँ। इस वजह से मैंने आलू को उबाल कर छील कर रख दिया। तो मैं अपना करने शुरू कर दिया कपड़े तैयार, क्योंकि ये जो धोए थे कल सुबह में, तो कपड़े ऊपर छत पर ऐसे ही रखे हुए थे, तो मैं उनको लाकर नीचे फटाफट से तय कर दिया है, क्योंकि ये टोकरी में भरकर रख देते हैं, तो जो प्रेस करने के हैं उनको मैं अलग रख तय करके रख दूँगी, और जो ना वैसे रखने के हैं तो मैं घर पहनने के सैलर डेली यूज़ के कपड़े हैं जो उनसे, तो उनको प्रेस वगैरह नहीं करते हैं, वो ऐसे ही फटाफट से तय लगा कर रख दूँगी। यहाँ पर से सोफ़ा सारा खाली हो जाएगा, तो सोफ़े के कवर अच्छे से साफ करके बिछा दूँगी, और तब तक मैं अपनी क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी जब तक बच्चे उठेंगे। और अभी टाइम भी कुछ नहीं हुआ है, तो आर्यन गया हुआ है शाखा में, क्योंकि वहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह बच्चों से करवाई जाती है, तो वो वहाँ पर चला जाता है 5 बजे उठकर। और तब तक मैं अभी अपना काम कर लूँगी, और वंशिका भी सो रही है, तो वंशिका को भी उठा दिया, और वंशिका गई हुई है वॉशरूम, तो वो आ जाएगी, उसके बाद नहा धोकर वो तैयार हो जाएगी स्कूल के लिए। तो फिर उसका लंच वगैरह मैंने सब कुछ तैयार कर दिया है, और सब कुछ तैयार करके रखने के बाद यहाँ पर मैं अपनी क्लीनिंग में लग गई हूँ। तो बच्चों के स्कूल जाने से पहले ये सब काम कर लो तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि फिर आराम से बैठ सकता है इंसान, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे तो बच्चे चैन से बैठने नहीं देते हैं, तो बच्चे तो फिर काम वगैरह कुछ ना कुछ बताते ही रहते हैं। तब तक मैं अपने यहाँ पर सारा काम निपटा कर रख लूँगी, साफ़ सुथरा घर हो जाएगा,
तो मेरी टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। और ये जो छोटी गद्दियाँ हैं तो ये सोफ़े की नहीं है, ये मैंने वैसे ही बेड वगैरह के लिए ली थी, क्योंकि पहले ये दीवान था हमारे पास तो दीवान पर लगी हुई थी। और अभी ऐसे ही थी फालतू। देखिए वंशिका फिर से आ गई है वॉशरूम से होकर और यहाँ पर आकर फिर से लेट गई है। तो बच्चों को उठाना सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा महाभारत हो जाता है, तो इसको मैंने कई बार उठा लिया तो ये उठ नहीं रही है। रही है कि अभी नहीं, अभी थोड़ी सी और नींद आ रही, थोड़ी सी और नींद आ रही है। तो ये बोल रही थी कि मेरी वीडियो मत बनाओ, मैं वीडियो बंद कर दूँगी। और फिर ये चली गई उठकर, तो मेरे यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद लगाना शुरू कर दिया पोछा। तो मैं इस रूम में पोछा पहले लगा लूँ क्योंकि यहाँ पर मंदिर है। तो यहाँ पर पोछा वगैरह लगाने के बाद बच्चों के थे अभी 6:15, तो मैंने फटाफट से करनी है अपनी पूजा भी। तो यहाँ पर मेरे सारे में पोछा वगैरह लग गया है और बाकी सारे में झाड़ू वगैरह मैंने अच्छे से लगा दी थी। तो इधर से यहाँ पर सामान पड़ा हुआ था बाहर गैलरी में, तो मैं सब सामान हटाकर यहाँ से रख दूँगी ताकि बाहर का भी सारा साफ़ हो जाए। तो बाहर से भी मैंने अच्छे से फटाफट से झाड़ू लगाकर सारा कूड़ा इकट्ठा करके रख दिया था। तो बाहर कैमरा वगैरह नहीं लेकर गई थी क्योंकि सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर, फ़ोन वगैरह कई बार गिर जाता है इस वजह से। तो यहाँ पर फटाफट से बाहर से भी सारा पोछा लगाकर फिर से एक बार इस कमरे में से लगाते हुए मैं वापस जाऊँगी, क्योंकि मतलब दो बार लगाना पड़ जाता है कई बार इसलिए। और उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में आलू छीलने के लिए, ताकि मैं आलू वगैरह छील कर रख दूँ। अगर जो मतलब मैंने सोचा था ब्रेड टोस्ट बना दूँगी बच्चों को, तो यहाँ पर मेरे आलू छील चुके थे, पर ब्रेड टोस्ट भी बच्चों ने मना कर दिए, उनको पूड़ी ही खानी थी, तो मैंने उनको पूड़ी बना कर दे दूँगी। और पूड़ी वगैरह की वीडियो मैंने शूट नहीं की क्योंकि कल भी मैंने पूड़ी बनाई थी, इस वजह से बच्चों को पूड़ी वगैरह ज़्यादा पसंद आती है। तो यहाँ पर आ चुकी हूँ मैं दूसरे रूम में। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू वगैरह तो लगा ली थी, लेकिन ये कमरे की हालत देखिए, क्योंकि बच्चे सोकर उठे थे इस पर से, तो देखिए यहाँ पर कैसे सामान फैला पड़ा है सारा बिस्तर। रात में मच्छर वगैरह लगते हैं तो चादर वगैरह ओढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर बेड की क्लीनिंग करने के बाद मैं जाऊँगी अपना फिर से किचन में और दूसरा काम करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं घर में। और यहाँ पर किचन में जा रही थी तो वंशिका ने बोला कि पहले मेरे को तैयार कर दो फटाफट से कंघी वगैरह, तो इसने अपना ड्रेस वगैरह पहन ली थी, तो मैंने इसकी करनी शुरू कर दी है छोटी। तो यहाँ पर मेरी पूजा भी देखी हो चुकी है, पूजा की वीडियो मैंने कल शेयर कर दी थी, इस वजह से मैंने पूजा की वीडियो भी नहीं बनाई। तो यहाँ पर मैंने पूजा पाठ कर लिया, कान्हा जी को नहला धुला कर तैयार कर दिया और ये लगा रहे हैं दूध का भोग। तो यहाँ पर ये दूध दे देंगे कान्हा जी को, और ये टप रखा हुआ है उनका, तो उनके कपड़े हैं जो गर्मियों के, ये देखिए, तो ये धोने हैं मुझे अभी, तो ये भी मैं धोकर डाल दूँगी ताकि जल्दी सूख जाए, क्योंकि गर्मियों के कपड़े हैं ये डेली यूज़ में पहनते हैं हमें। तो इस वजह से फटाफट से इन सभी कपड़ों को धोकर डाल दूँगी और फटाफट से ये छोड़ाएंगे बच्चों को स्कूल के लिए। तो यहाँ पर ये हाई हेलो कर रहे थे और यहाँ पर ये इनकी हाई हेलो हो रही है। और ये देखिए यहाँ पर बच्चे भी आ चुके हैं, अपना टिफ़िन वगैरह सब कुछ इन्होंने लगा लिया है, और जाते समय बिल्कुल दूध पी कर जाते हैं क्योंकि ये सुबह में नहीं कुछ भी खाते पीते बच्चे, पेस्ट वगैरह जब तक नहीं करते तब तक तो पानी तक नहीं पीते। तो बच्चों को ऐसी आदत डाल देनी चाहिए, अच्छी रहती है। तो बच्चों को मैं सुबह उठते ही दूध वगैरह या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं देती, क्योंकि रात भर में मतलब पेस्ट वगैरह करके सोते हैं, लेकिन फिर भी सुबह में एक बार जब तक पेस्ट ना कर ले तब तक तो कुछ नहीं खाना चाहिए। और यहाँ पर देखिए जा रहे हैं, तो ये मम्मी की तरफ जा रहे थे, उधर से दूध लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर ये दूध भी मैंने डालकर डिब्बे में दे दिया था। और यहाँ पर देखिए जिठानी का लड़का को बुलाने गए थे क्योंकि वो भी जाएगा स्कूल ही, तो यहाँ पर ही जाएंगे। अब देखिए बाइक पर बैठ चुके हैं तीनों बच्चे, तो ये जा रहे हैं तीनों स्कूल और फटाफट से स्कूल चल जाएंगे। और मैं जाऊँगी अपना ऊपर वापस से किचन क्लीन करने के लिए, क्योंकि देखिए बच्चों के जाने के बाद इस कढ़ाई मैंने तली थी पूड़ियाँ, तो ये रखी हुई है कल की कढ़ाई। और यहाँ पर मैंने कर लिया कपड़े चेंज, क्योंकि कपड़े मैंने इसलिए चेंज किया, मैं गई थी सिर में जो मेरे मतलब दर्द था आधे सिर में, तो आधे सिर में दर्द की वजह से मुझे काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो किसी ने बताया था यहाँ पर कोई पंडित वगैरह जो कि मतलब झाड़ा वगैरह करते हैं, तो फिर वो करवाने के लिए जाना था सुबह में 6 बजे, तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे क्योंकि बच्चों के चक्कर लेट हो जाते हैं सुबह में। उन्होंने बुलाया था हमें 6:30 बजे, तो इसके पापा तब तक नहाए धोए नहीं थे और वो बहुत दूर भी था, इस वजह से मैं अकेली भी नहीं जा सकती थी। तो जब तक ये नहाए धोए तो टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, तो फिर ये बच्चों को छोड़ कर आए 8 बजे और उसके बाद हम गए थे। और यहाँ पर देखिए फटाफट से मैं कपड़े बदल कर गई थी, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर वो मिले ही नहीं। और आने के बाद फिर मैंने करना शुरू कर दिया था किचन क्लीन, तो यहाँ पर फटाफट से किचन वगैरह सब कुछ क्लीन कर दूँगी, क्योंकि हम गए थे लेकिन कुछ काम तो बना नहीं, तो कपड़े मैंने बदले नहीं थे, मन नहीं किया कपड़े चेंज वगैरह करने का, मैंने सोचा बाद में ही कर लूँगी, अब तो मैंने लिया है। और यहाँ पर फटाफट से पहले मैं टाइल्स वगैरह अच्छे से जूना मारकर साफ़ कर दूँगी रगड़ के, क्योंकि ये खिड़की खुली हुई है, जब तक इस खिड़की में जाली नहीं लग जाती तब तक यहाँ पर धूल मिट्टी गर्दा बहुत ज़्यादा आता है, तो रात भर में कुछ नहीं पता चलता कि कौन सा जानवर कब में आ जाए।
और वैसे भी कल तो बहुत ज़्यादा डर गए थे क्योंकि कल दोपहर के समय हम सो रहे थे, तो इन्होंने सामने हमारे खेत वगैरह है वहाँ पर इन्होंने किसी पेड़ पर, बेल का पेड़ है तो बेल के पेड़ पर सांप चलता हुआ देखा, तो ये इस वजह से हमें भी डर लगता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं पूरी किचन को अच्छे से क्लीन कर लूँ क्योंकि पता नहीं चलता ना कौन सा, मतलब कीड़े मकोड़े रात भर फिरते रहते हैं, कॉकरोच वगैरह तो नहीं है अभी किचन में, वैसे तो चूहे वगैरह है कुछ भी नहीं है ऐसा, पर फिर भी मन में व्यायाम सा रहता है। इस वजह से मैं किचन को अच्छे से धोकर साफ़ करके उसके बाद ही खाना वगैरह बनाऊँगी बाकी का। तो यहाँ पर फटाफट से पूरी किचन मेरी हो चुकी है क्लीन और इसको वाइपर लगा कर साफ़ कर दूँगी। तो मैंने सुबह में सफाई वगैरह अच्छे से कर दी थी लेकिन अब दोबारा से किचन क्लीन किया तो फिर से कीचड़ हो गया है, तो बाकी का तो मैं नहीं फैलाऊँगी लेकिन जहाँ जहाँ से हुआ है नीचे से मैं वहीं से वाइपर लगा कर और अच्छे से धोकर साफ़ कर दूँगी, तो पोछा वगैरह लगा दूँगी, बाकी हो जाएगा जब ये क्लीन, तो उसके बाद बनाऊँगी मैं खाना। और यहाँ पर आ रहा था मेरी सिस्टर का फ़ोन तो मैं उनसे बात ही कर रही थी और ये देखिए फ़ोन मैंने रख दिया था गैस पर और गलती से ध्यान ही नहीं रहा, फ़ोन गिर भी गया था बीच में से, ऐसे रखना तो नहीं चाहिए था बट ध्यान में ही नहीं गया। और फटाफट से उसके बाद मैंने कर दिया अपने बर्तन वगैरह साफ़ जो रखे हुए थे थोड़े से, तो यहाँ पर फटाफट से ये बोतले वगैरह रोज़ का काम है ये देखिए, डेली किचन क्लीनिंग वगैरह इस तरह से होती है। यहाँ पर फटाफट से मैंने किचन को अच्छे से कर दिया सेट और पूरी किचन सेट करने के बाद ना बनाऊँगी मैं खाना, तो खाने में बनाऊँगी मैं वही आलू टमाटर की सब्ज़ी क्योंकि ये नाश्ता करके जाएंगे, तो नाश्ते में ये बोल रहे थे कि आलू टमाटर की सब्ज़ी और रोटी बना दो, तो रोटी ये सिंपल वाली नहीं खाएँगे, पराठे वगैरह खा लेते हैं कभी कभी, तो साथ में बना दूँगी इनको ट्राई क्योंकि ये ट्राई लेते हैं। और यहाँ पर फटाफट से मैंने अपनी किचन क्लीन करने के बाद रख दिया कढ़ाई चढ़ाकर, कढ़ाई चढ़ा कर रख दिया, तो उसके बाद इसमें डाल दिया सरसों का तेल, सूखने के बाद इसमें डाल दिया हींग जीरा। तो मैं फटाफट से सब्ज़ी छोक लूँ क्योंकि नहीं हो रही है जल्दी, तो मैंने आटा लगा कर रख दिया था किचन क्लीन करते समय ही, तो आटा लगा कर फ्रिज में रख दिया ताकि वो तब तक सेट हो जाए। और यहाँ पर मैंने इसमें टमाटर हरी मिर्चों में डाल दिया अपना मसाले, नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर गर्म मसाला वगैरह सब कुछ जो डालना था तो सब कुछ डालने के बाद मैंने यहाँ पर फटाफट से चकला बेलन भी लगा लूँ क्योंकि रोटी बनानी है जल्दी, तो ये बोल रहे थे कि जल्दी कर लो देर हो जाएगी नहीं तो, तो मम्मी को भी खाना अभी दे आएंगे। तो यहाँ पर धनिया ख़त्म हो गया था तो मैंने डिब्बा अंदर से मंगवा कर तो धनिया डाल दिया इसमें क्योंकि मैंने सारे डिब्बे रख रखे हैं अपना रूम में ही मंदिर वाले में। तो यहाँ पर फटाफट से देखिए सब्ज़ी बन रही है एक तरफ और दूसरी तरफ मैं आटा कर दूँगी सेट अच्छे से, तो मैंने आटा ऐसे ही लगा कर रख दिया था, अभी मैंने इसे निकाल लिया डोंगे में और चिमटी रख दूँगी धोने के लिए। और यहाँ पर से देखिए फटाफट से टमाटर मेरे अच्छे से भून कर हो चुके हैं तैयार, तो मैं इसमें आलू वगैरह भी डाल दूँगी, तो मैं दूसरी तरफ आलू को क्रश कर रही थी तो आलू वगैरह क्रश करने के बाद वो डाल दूँगी। मैंने सबसे पहले रोटी बना दी है गाय की, तो दो रोटी पहले बनाकर गाय को भिजवा दूँगी इनके हाथ क्योंकि अभी यहीं पर ही हैं, तो ये फटाफट से दे आएंगे गाय को चीनी रख कर। और बाकी उसके बाद ये देखिए आलू मैंने इसमें डाल दें, तो दो मिनट के लिए मैंने आलू को अच्छे से भून लिया टमाटर में, तो आलू को भूनने के बाद मैंने उसमें डाल दिया पानी, तो पानी डालने के बाद उबाला वगैरह आ गया था उस अच्छे से और सब्ज़ी मेरी बनकर हो चुकी है तैयार। तो सब्ज़ी बनाकर रख दिया, रोटियां भी बन गई हैं सारी, तो इन्होंने नाश्ता कर लिया, चाय वगैरह सब कुछ पी लिया और वीडियो एडिट करते वक्त मैंने सारी वीडियो एडिट कर दी थी। तो यहाँ पर देखिए रोटी वगैरह मैं बच्चों की सबकी बनाकर रख दिया और इसके बाद मैं ये चकला बेलन वगैरह सब कुछ बर्तन साथ के साथ धोकर साफ़ करके रख लूँगी और साथ में कर दूँगी अपनी पूरी किचन को क्लीन। देखिए फालतू के काम सुबह के जो मैं होते हैं सारे साथ के साथ निपटाती जाती हूँ ताकि बाद में मुझे दिक्कत ना हो, तो मैंने जैसे ही रोटी बनाई है फटाफट से गरम गरम ही मैं ये सब कुछ साफ़ कर दिया है। और फटाफट से जो साफ़ करने के बाद ये देखिए मैंने बर्फ़ भेज दी थी मम्मी की तरफ, तो ये मैंने बर्फ़ का भर कर रख देना है। और उसके बाद चकला बेलन जो आटे की चिमची है और ये मतलब इसमें आलू वगैरह रखे थे तो ये सब बर्तन दो चार ही थे, तो मैं इनको साथ के साथ धोकर मांज कर रख दूँगी ताकि ज़्यादा बर्तन इकट्ठे ना हो और बच्चों के आने तक अच्छे से किचन वगैरह सब कुछ काम हो जाएगा। और इसके बाद जाकर करूँगी मैं थोड़ी देर के लिए आराम क्योंकि मैं सुबह से 5 बजे से लगी हुई हूँ और वैसे भी रात 3:30 बजे से आँख खुली हुई है सिर में दर्द की वजह से। तो यहाँ पर फटाफट से देखिए मेरी पूरी किचन क्लीन हो चुकी है, अच्छे से सारा खाना वगैरह बन चुका है, इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।